इन दिनों दोस्तों अगर कोई बोर्ड या फिर कमीशन सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो वो है HPSSC हमीरपुर बोर्ड। आप सभी को पता होगा रिसेंटली 887 पोस्ट कोड एग्ज़ाम जो है ये हमें देखने को मिला, इसमें जमकर गड़बड़ हुई। पहले तो कमीशन ने क्या किया, एक लिस्ट जारी करी, उसमें जो भी हैं एडमिट कार्ड्स जो अवेलेबल करवाए हर एक स्टूडेंट के लिए, उसमें अलग से एग्ज़ाम सेंटर्स प्रोवाइड कर दिए। और फिर एक या दो दिनों बाद नोटिफिकेशन आया कि टेक्निकल गड़बड़ थी और सेंटर्स चेंज हो चुके हैं। हजारों स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हमारा दो दो एडमिट कार्ड्स हमें मिल गए, अब क्या होगा, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। तो हमने सलाह दी कि जो लेटेस्ट हैं उनके हिसाब से जाइए आप। लेकिन दोस्तों किसी भी भर्ती की बात करूं, और मैं इस टाइम अगर बात करूं कि मेजोरिटी जो भर्तियां हैं HPSSC ही करवा रहा है हिमाचल प्रदेश में, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स जो होती हैं हिमाचल में HPSSC के द्वारा होती हैं। लेकिन कुछ समय से HPSSC जो है उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पिछले क्लर्क के टाइम में मेरे पास आए कि टाइपिंग एडमिट कार्ड जो है हमें लेट पहुंचा, बहुत लेट पहुंचाया गया। जब हम वहां पे पहुंचे तो बोला गया कि आपकी टाइपिंग हो चुकी है, अब आप अपियर नहीं हो सकते टाइपिंग में। और अधिकारियों से जब बात की उन बच्चों ने, तो अधिकारियों के जवाब आए कि लोग जो हैं मंगल के ऊपर पहुंच चुके हैं, बाकी ग्रहों के ऊपर पहुंच चुके हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि आपकी टाइपिंग कब है। तो दोस्तों उन बच्चों का कोई वहां पे कसूर नहीं है। अगर उनको एडमिट कार्ड्स टाइम पर नहीं पहुंचे, हर बच्चा इंटरनेट के साथ नहीं जुड़ा होता है, तो उन बच्चों की क्या गलती है। अब आप यहाँ पे देख लो, अगर एडमिट कार्ड्स अलग अलग आ जाएंगे, एग्जाम सेंटर्स अलग होंगे, तो उन बच्चों को पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। 887 में भी ऐसे ही हुआ है, 10 15 15 आधा आधा घंटा मिनट लेट पहुँचे हैं स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में, तो वो बच्चे फिर कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे। बेरोजगारी जो है ये चरम सीमा पर पहुंच चुकी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो एक खुशहाल राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी ग्रहण लग चुका है खुशियों को हिमाचल के जो अभ्यर्थी हैं उनकी। और बाकी बड़ी बड़ी भर्तियों के बारे में तो क्या ही कहने, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म्स भरे जा रहे हैं वही भर्तियाँ जो हैं कोर्ट तक पहुँच रही हैं। तो ऐसे में बेरोजगारी को कैसे हम हराएंगे। कमीशन को आगे आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर एक अभ्यर्थी की। मैं यहाँ पे किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक कर्मचारी की बात नहीं कर रहा, पूरी टीम को साथ में काम करना पड़ेगा HPSSC को। अगर स्टूडेंट्स का हित चाहिए, अगर बेरोजगारी को हराना है, तो HPSSC को थोड़ा सा आंखें खोलनी पड़ेंगी। तो आप सभी की जिम्मेदारी है इस वीडियो को HPSSC तक पहुंचाइएगा। पिछले टाइम में दोस्तों कोई भी एग्जाम लूंगा मैं HPSSC का, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो बिल्कुल अच्छे तरह से बाहर गया हूँ। अब मैं आपको दो या तीन किस्से सुनाता हूँ। सबसे पहले तो JEE, मैं पोस्ट कोड भूल रहा हूँ, उसमें भी केसेस चल रहे थे। TGT की बात करूँगा दोस्तों, पेपर उन्हें स्टेनो के ही बांट दिए गए। आप सपोज करो कि आप पेपर देने गए हैं, आपको किसी और ही एग्ज़ाम का पेपर मिल जाए, तो आप क्या करोगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 का तो मैं यहाँ पे वर्णन करूँगा ही नहीं, क्योंकि ये चर्चा में है टॉपिक, तो आपको इसके बारे में भली भांति पता होगा। और भी काफ़ी सारी भर्तियां हैं, कोर्ट केसेस बड़ी आसानी से चल रहे हैं, फिर भी भर्तियां जो हैं ऐसे ही करवाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स जब पूरी तैयारी करके बाहर आ रहा है और बाद में उसे पता चल रहा है कि हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, तो कहीं ना कहीं यह जिम्मेदारी बोर्ड को, कमीशन को, आयोग को लेनी पड़ेगी, और स्टूडेंट्स का भला उन्हें सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में और भी ज़्यादा समय खराब होने वाला है। COVID-19 का जो इफेक्ट है ये दोस्तों बिल्कुल दिख रहा है, अभी से ही दिख रहा है, तो आने वाले 2 या 3 सालों में तो और भी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अभी जो कुछ पैसे कमाए थे लोगों ने पिछले 10-20 सालों में, अभी वही पैसे चल रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो पैसे नहीं कमा रहे हैं वो आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आप सभी को हमारे साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आवाज़ उठानी है तो कायदे कानूनों में रह के ही आवाज़ उठाइए, आंदोलन करना है तो पीसफुल मूवमेंट होना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह का कोई एग्रेसिवनेस ना दिखाएं, वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि बिल्कुल पीसफुली जो वॉइस है आम जनता की उसे पहुंचाएं सरकार तक, आयोगों तक। तो फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता था कि पिछले कुछ समय में HPSSC जो है हमीरपुर बोर्ड, वहाँ पे कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है। 887 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप में से भी काफ़ी सारे इस एग्ज़ाम को देके आए होंगे तो आपको ये भलीभांति पता होगा। तो एक ही बात बोलूँगा, HPSSC होश में आओ, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो माफ़ी। जय हिंद, जय हिमाचल।